कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं मई 2023 से करंट अफेयर्स पर। इस बार करंट अफेयर के वीडियोस आने में थोड़ा सा लेट हो गया है, मैं टाइम शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था जिस कारण से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, इस कारण वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे सीरीज के वीडियोस भी काफ़ी समय से यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुए हैं, उसके आगे के चैप्टर के वीडियोस जल्द ही यूट्यूब पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, ठीक है। चलिए, CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2023-24 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप CG बुक्स कार्ट में भी जाकर के इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको CGPSC ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य पब्लिकेशन, अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। अभी हाल ही में 1 से लेकर के 3 जून 2023 के मध्य रायगढ़ जिले के रामलीला मैदान में पहला राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन हुआ, ठीक है। 1 से लेकर के 3 जून 2023 के मध्य रायगढ़ जिले के रामलीला मैदान में पहला राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन हुआ। यह राष्ट्रीय रामायण महोत्सव अरण्य कांड पर केंद्रित प्रसंगों पर आधारित था, ठीक है। जो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव है यह अरण्य कांड पर केंद्रित प्रसंगों पर आधारित था। अरण्य, देखिए, इस अरण्य का मतलब होता है जंगल। अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। भगवान श्री राम को जो 14 साल का वनवास हुआ था, ठीक है, भगवान श्री राम को जो 14 साल का वनवास हुआ था, उस वनवास काल पर केंद्रित था यह राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। रामायण जो कि अलग अलग कांड में विभक्त है, अरण्य कांड, बाल कांड, ठीक है, उनमें से एक जो आपका अरण्य कांड है, अरण्य कांड पर केंद्रित था यह राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। प्रदेश सरकार के द्वारा यह दावा किया जाता है कि भगवान श्री राम को जो 14 साल का वनवास हुआ था, भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को, उस 14 साल के वनवास में से 10 साल उन्होंने दंडकारण्य क्षेत्र में व्यतीत किए थे। दंडकारण्य क्षेत्र सुनते से ही हमारा पहला ध्यान जाता है बस्तर संभाग में। देखिए, दंडकारण्य एक प्राकृतिक प्रदेश है। दंडकारण्य का विस्तार केवल हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं, छत्तीसगढ़ और उसके सीमावर्ती राज्यों में भी दंडकारण्य क्षेत्र का विस्तार है। दंडकारण्य एक प्राकृतिक प्रदेश है जिसका विस्तार वर्तमान छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा राज्य में इसका विस्तार है। अपने 14 साल के वनवास काल में से 10 साल भगवान श्री राम ने इस दंडकारण्य क्षेत्र में व्यतीत किए थे। इस कारण से इस पहले राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का जो आपका जो प्रसंग था, जो विशेष मंचन जो था, वो अरण्य कांड पर केंद्रित था, ठीक। इस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में दो देश कौन कौन से, कंबोडिया और इंडोनेशिया, दो देश के सहित 13 राज्यों के 17 दलों के 375 कलाकार इसमें सम्मिलित हुए, ठीक है। इसमें, इस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में दो अंतर्राष्ट्रीय दल भी शामिल हुए थे। कौन कौन से? कंबोडिया और इंडोनेशिया। शुरू में बात कहा गया था कि इस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में 4 देश के कलाकार शामिल होंगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दल शामिल होंगे, लेकिन लास्ट होते होते केवल 2 ही दल शामिल हुए, कंबोडिया और इंडोनेशिया के। इनके साथ साथ 13 राज्य के 17 दलों के 375 कलाकार इसमें शामिल हुए। इसमें अगर हम विशेष आकर्षण की बात करें तो इसमें केलो आरती, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और अलौकिक दीपदान इसमें विशेष आकर्षण रहा। केलो आरती, ये जो रायगढ़ जिला है, ये रायगढ़ जिला केलो नदी के तट पर बसा है, ठीक है, केलो नदी के तट पर बसा है, इसीलिए इस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के दौरान केलो आरती की गई, सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और दिए जलाए गए। अगर हम विशेष अन्य जानकारी की बात करें तो जो इंडोनेशिया के जो दल इसमें शामिल हुए थे, इस इंडोनेशिया में राम कथा को ककनीन या काकावीन रामायण के नाम से जाना जाता है, जबकि कंबोडिया में रिमकर के नाम से इस रामायण का जो है, इस रामायण को जाना जाता है। देखिए, इंडोनेशिया में जो राम कथा है, उस राम कथा को ककनीन या काकावीन रामायण के नाम से, जबकि कंबोडिया में रामायण को रिमकर के नाम से जाना जाता है। जो रिमकर जो है, ये कंबोडिया का राष्ट्रीय महाकाव्य भी है, ठीक है, कंबोडिया का राष्ट्रीय महाकाव्य भी है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में विजेता टीम के लिए पुरस्कार राशि भी निर्धारित की गई थी।
प्रथम स्थान पर रहने वाली जो विजेता टीम थी उनके लिए 5 लाख रुपए, द्वितीय स्थान पर आने वाले विजेता टीम के लिए 3 लाख रुपए और तृतीय स्थान पर आने वाले विजेता टीम के लिए 2 लाख रुपए की राशि निर्धारित थी। इस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में प्रथम स्थान पर रहा कर्नाटक, ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? कर्नाटक। द्वितीय स्थान पर रहा आपका असम, ठीक है, यहाँ झारखंड लिखा है, झारखंड को कट कर लीजिएगा। द्वितीय स्थान पर रहा आपका असम, जबकि तृतीय स्थान पर रहा आपका झारखंड। तृतीय स्थान पर क्या रहा? तृतीय स्थान पर रहा आपका झारखंड राज्य, ठीक है। इस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में पहले स्थान पर कर्नाटक, जिसे 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई, द्वितीय स्थान पर रहा आपका असम राज्य, जिसे 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई, और तृतीय स्थान पर रहा आपका झारखंड, जिसे 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है याशी जैन। याशी जैन कौन है? याशी जैन हमारे प्रदेश की महिला पर्वतारोही है जो कि रायगढ़ जिले की निवासी है। हाल ही में ये चर्चा में रही, क्यों? क्योंकि इन्होंने माउंट एवरेस्ट का पर्वतारोहण किया। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। ये माउंट एवरेस्ट नेपाल एवं चीन की सीमा पर मौजूद है ये पर्वत। इस माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण करने के पश्चात याशी जैन ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ ध्वज का ध्वजारोहण किया। इस माउंट एवरेस्ट पर फतह करने के साथ ही याशी जैन विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के साथ 4 महाद्वीपों, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला पर्वतारोही बन गई है, ठीक है। 4 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी का पर्वतारोहण करने वाली प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही कौन है पूछा जाए तो वो है याशी जैन, ठीक है। हाल ही में इन्होंने एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का पर्वतारोहण किया और माउंट एवरेस्ट के पर्वतारोहण करने के साथ साथ ही उन्होंने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया महाद्वीप, इन 4 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी का पर्वतारोहण करने का रिकॉर्ड बनाया और छत्तीसगढ़ की पहली महिला पर्वतारोही भी बन गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये है आपकी याशी जैन। अगर इनकी उपलब्धियों की हम बात करें तो इन्होंने पर्वतारोहण का सफर शुरू किया था 2018 से। 2018 में इन्होंने उत्तराखंड राज्य के माउंट जोगिनी की चढ़ाई की थी। 2019 में इन्होंने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है, इस पर फतह किया था। जनवरी 2020 में इन्होंने नेपाल के माउंट आइलैंड पीक, जिसकी ऊंचाई 6119 मीटर है, उस पर चढ़ाई की थी। 2022 अक्टूबर 2022 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5896 मीटर है, उसकी सफलतापूर्वक इन्होंने चढ़ाई की थी। फरवरी 2023 में इन्होंने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांका गुहा, जिसकी ऊंचाई 6961 मीटर है, इस पर फतह किया था। और जनवरी और आपके 2021 में माउंट एवरेस्ट, देखिए माउंट एवरेस्ट का एक बेस कैंप है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर उसकी ऊंचाई है, लेकिन उसका एक बेस कैंप है जिसकी ऊंचाई लगभग आपके 8000 मीटर के आसपास है, उस पर भी उन्होंने चढ़ाई की थी। तो देखिए जो आपकी याशी जैन है, याशी जैन ने 4 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी, कौन सा? यूरोप 2019 सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, ठीक है, अक्टूबर 2022 दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, उसके बाद दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी 2023 माउंट एकांका गुहा, और अभी 2023 में ही आपके एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपके माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर ऊंचाई पर फतह करने के साथ 4 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर पर्वतारोहण करने वाली पहली महिला पर्वतारोही बन गई है। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2022-23। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की एक मंत्रालय है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत। रिपोर्ट था भारत सरकार IAF सप्लीमेंट स्कोर कार्ड। IAF का मतलब होता है आयरन एवं फोलिक एसिड सप्लीमेंट। जो एनीमिया जो है ये आयरन की कमी के कारण होने वाला एक रोग है एनीमिया। तो इस एनीमिया को दूर करने के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड का सप्लीमेंट यानी कि दवाइयां आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरित किया जाता है।
तो इस सप्लीमेंट IFA सप्लीमेंट प्रोवाइड करने के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत तीसरे स्थान पर है, ठीक है, तीसरे स्थान पर है। इस अभियान के तहत 6 माह से 19 वर्ष तक के बच्चों, किशोर किशोरियों तथा गर्भवती शिशुवती महिलाओं को IFA यानी कि आयरन एवं फोलिक एसिड सप्लीमेंट उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। हमारा छत्तीसगढ़ इस IFA सप्लीमेंट उपलब्ध कराने के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ से आगे केवल तेलंगाना और तमिलनाडु ही है। बड़े राज्यों को पछाड़ करके हमारा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत जो IFA सप्लीमेंट का जो स्कोर कार्ड जारी किया गया है उसमें बड़े राज्यों को पछाड़ करके तेलंगाना तमिलनाडु के बाद हमारा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है, ठीक। देखिए यहाँ पर कुछ कंटेंट है, इस कंटेंट को आप पढ़ सकते हैं। ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, व्यापम के एग्ज़ाम के लिए और प्री के एग्ज़ाम के लिए। ये ओवरऑल जो परसेंटेज है IFA सप्लीमेंट का जो ओवरऑल परसेंटेज है वो है 83.6। देखिए छत्तीसगढ़ में 6 माह से 59 माह के 78.5% बच्चों को, 5 वर्ष से 9 वर्ष के 83.6% बच्चों को IFA यानी कि आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाता है। प्रदेश में इस दौरान 10 वर्ष से 19 वर्ष के 86.4% बच्चों व किशोरों को, 95% गर्भवती महिलाओं तथा 74.4% शिशुवती महिलाओं को IFA सप्लीमेंट का खुराक दिया गया। इसके साथ छत्तीसगढ़ IFA सप्लीमेंट के मामले में इसका जो ओवरऑल स्कोर है वो है 83.6%, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाएगा एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2022-23 की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है, तो कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी। हाल ही में ये जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी चर्चा में क्यों रहे? जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी जो कि रायगढ़ जिले के निवासी है, रायगढ़ जिले, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के निवासी प्रशांत मिश्रा जी को हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया, ठीक है। कोलिजियम सिफारिश के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट है, देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उस सर्वोच्च न्यायालय में कोलिजियम सिफारिश के आधार पर इनकी नियुक्ति की गई। ये जो है नियुक्ति का एक आधार होता है सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति का, ठीक है। इनका नाम नामांकित किया गया था जस्टिस धनंजय बाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा, जस्टिस धनंजय बाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा प्रशांत मिश्रा जी का नाम नामांकित किया गया था और इनकी नियुक्ति की गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया 19 मई 2023 को, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया 19 मई 2023 को। अगर इनके पूर्व कार्यकाल की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के तीसरे मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने 2021 से 23 के मध्य अपनी सेवाएं दी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इन्होंने जून से अक्टूबर 2021 के मध्य अपनी सेवाएं दी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर इन्होंने 2009 से 21 के मध्य अपनी सेवाएं दी। छत्तीसगढ़ महाधिवक्ता के रूप में 2007 में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। विशेष बात यह है कि जस्टिस मिश्रा जी छत्तीसगढ़ के पहले निवासी है, पहले ऐसे जज है जिन्हें शीर्षस्थ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यानी कि जज बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के पहले निवासी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिव्यांगता जनगणना 2022-23। हाल में प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिव्यांगता यानी कि हैंडीकैप्ड दिव्यांगता जनगणना 2022-23 के आंकड़े जारी किए गए। ये अभी ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है। अभी ऑफिशियल आंकड़े जब जनगणना के जब आंकड़े जारी होंगे उसके साथ पब्लिश होगा, लेकिन समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनऑफिशियली ये डाटा बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में 2022-23 में दिव्यांगों की कुल संख्या है 7.70 लाख। इसमें इस जनगणना में 21 प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया था। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार जो 21 प्रकार की दिव्यांगता है इस अधिनियम में, उस 21 प्रकार की दिव्यांगता को लेते हुए यह जनगणना किया गया, ठीक है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा। दिव्यांगों की गणना करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, ठीक है। देश में पहली बार 21 प्रकार की दिव्यांगता के साथ यह गणना की गई, यानी कि इससे पहले भी अन्य राज्यों में दिव्यांगता की गणना की गई थी, लेकिन
21 प्रकार की दिव्यांगता के साथ, पहले जो है 7 प्रकार की दिव्यांगता को आधार लेकर के जनगणना किया जाता था, लेकिन 21 प्रकार की दिव्यांगता के साथ दिव्यांगों की गणना करने वाला छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य है। पहली बार 21 प्रकार की दिव्यांगता के साथ यह गणना की गई। 2011 में हुई जनगणना में सिर्फ 7 प्रकार की दिव्यांगता को ही शामिल किया गया था। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार प्रदेश में जो दिव्यांगता है वो है 6.24 लाख, ठीक है। 2011 में जो जनगणना के जो डाटा आए थे उसके आधार पर छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों की कुल संख्या थी 6.24, यानी कि 6.24 लाख, जिसमें इस नई जनगणना में इस दिव्यांगों की संख्या में 1.46, ठीक है, 1.46 लाख की वृद्धि हुई है और यह बढ़ करके हो गया है 7.70 लाख। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में दिव्यांगों की संख्या कितनी है, 7.70 लाख। छत्तीसगढ़ में 4 साल तक के 1.1% दिव्यांग, 5 से 14 साल तक के 6.4% दिव्यांग, 15 से 59 वर्ष तक के 67% दिव्यांग और 60 से अधिक वर्ष के 25.5% दिव्यांग शामिल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको सब याद रखना। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक दिव्यांग आबादी कहाँ निवास करती है, तो न ही बिलासपुर और न ही रायपुर और न ही दुर्ग, क्या है, जांजगीर चांपा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 56,209 के साथ सर्वाधिक दिव्यांग आबादी निवास करती है आपके जांजगीर चांपा में। सबसे कम दिव्यांग आबादी निवास करती है नारायणपुर में 3,730। शहरी इलाकों में अगर हम दिव्यांगता के प्रतिशत की बात करें तो वो है 16.2, जबकि ग्रामीण इलाकों में दिव्यांगता की हम बात करें तो वो है 83.8%, ठीक, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, बोध मछली जिसका प्राकृतिक रहवास है इंद्रावती नदी, छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी जिसका उद्गम होता है उड़ीसा के कालाहांडी में मुंगेर की पहाड़ी से उद्गम होता है और हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के मध्य से होते हुए बहती है इंद्रावती नदी। इस इंद्रावती नदी में यह मछली पाई जाती है जिसका नाम है बोध मछली। इंद्रावती नदी में ये बोध मछली बहुतायत में है। ये बोध मछली इंद्रावती नदी को प्रदूषित होने से बचाती है, क्यों, क्योंकि देखिए जो बोध मछली है ये नदी में बहकर जो मृत जीव आते हैं उन्हें खा करके नदी को प्रदूषित होने से बचाती है। इस बोध मछली को बस्तर वाले क्षेत्र में राज मछली का भी दर्जा प्राप्त है। इसका अन्य नाम है गुंज मछली या डुडुंग मछली। अत्यधिक शिकार होने के कारण ये मछलियों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग बोर्ड इनके संरक्षण के लिए प्रयास कर रहा है। बारसूर इलाके में इस एक जगह है जिसका नाम है बोध घाट। जगह का नाम जो है इस बोध मछली की बहुलता के कारण ही इस बोध घाट स्थान का नाम बोध घाट पड़ा, ऐसे स्थानीय स्तर के लोग मानते हैं। बोध घाट, जहां पर बोध घाट परियोजना प्रस्तावित है, ठीक है, उस बोध घाट का नाम इस बोध मछली की बहुलता के कारण ही पड़ा। इसकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। ये बोध मछली छोटे से लेकर के इतने बड़े आकार तक के हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे एक इंसान के 3/4 आकार के बराबर है ये बोध मछली, ठीक। नेक्स्ट देखिए, विश्व के सबसे छोटे प्रजाति का हिरण देखा गया कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में, ठीक है। बस्तर जिले में जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे छोटे प्रजाति का हिरण देखा गया। देखिए ये हिरण का अगर आप आकार की बात करें, ये देखिए बहुत छोटे आकार का है। इसका अगर आप फेस देखेंगे तो ये छोटे चूहे के समान दिखता है। साइज की अगर आप बात करें तो ये छोटे आकार के सुअर के समान दिखता है। और ये जो आपका हिरण की प्रजाति है जिसके सिर में क्या नहीं है, सिंग नहीं है, ठीक है, इसके सिर में सिंग नहीं है। तीन आपके जानवरों का मिश्रित है। आकार में सुअर के जैसे छोटा आकार है, फेस में जो है चूहे के जैसे, और ये हिरण की एक प्रजाति है जिसके सिर में सिंग नहीं है। ये देखा गया है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में जो कि बस्तर जिले में है। इस प्रजाति का नाम है इंडियन माउस डियर, इंडियन स्पॉटेड सेवरोटेन, इसकी प्रजाति का नाम है जिसका वैज्ञानिक नाम है मोसियोलो इंडिका। इसके पूर्व ये जो माउस डियर है ये आपके बेलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा, पिछले साल बेलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा में भी माउस डियर देखा गया था। उसके बाद आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसे देखा गया है वन विभाग के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये है खेलो इंडिया सेंटर। वाइट स्क्रीन है तो हो सकता है ये बहुत कम दिख रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया सेंटर के टोटल 24 सेंटरों को अनुमति मिल गई है। पहले चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण में, पहले जो है प्रथम चरण में 7 सेंटर को अनुमति मिली थी, जैसे कि बिलासपुर में तीरंदाजी, बीजापुर में तीरंदाजी, राजनांदगांव में हॉकी, जशपुर में हॉकी, गरियाबंद में वॉलीबॉल, नारायणपुर में मलखंब और आपका अंबिकापुर में फुटबॉल। द्वितीय चरण में बालोद में वेटलिफ्टिंग, बलौदाबाजार में फुटबॉल, पाटन में कबड्डी, कांकेर में खो खो, रायपुर में वेटलिफ्टिंग, रायगढ़ में बैडमिंटन और सुकमा में फुटबॉल। और तृतीय चरण में अभी 10 खेलो इंडिया सेंटर को अनुमति मिली है। बस्तर में हॉकी,
धमतरी में कुश्ती, जांजगीर चांपा में हॉकी, कोरबा में फुटबॉल, बलरामपुर में फुटबॉल, बेमेतरा में कबड्डी, दंतेवाड़ा में तीरंदाजी, महासमुंद में तीरंदाजी, मुंगेली में फुटबॉल और सूरजपुर में फुटबॉल। तो टोटल अब हमारे प्रदेश में 24 खेलो इंडिया सेंटर को अनुमति मिल चुकी है। ठीक है, इस डाटे को याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका राम वन गमन पथ। आप सभी को पता होगा कि प्रदेश सरकार के द्वारा राम वन गमन पथ का विकास किया जा रहा है। ठीक है, राम वन गमन पथ, इस राम वन गमन पथ के अंतर्गत प्रदेश सरकार के द्वारा प्रथम चरण में कुल 9 स्थानों का चयन किया गया था। ठीक है, इन 9 स्थानों का चयन किया गया और इसमें विकासात्मक कार्य शुरू किया गया, जिसमें सबसे पहले विकासात्मक कार्य पूर्ण हुआ है कहाँ पर, आपकी चंदखुरी में। ठीक है, चंदखुरी में विकासात्मक कार्य पूर्ण हुआ है। अब देखिए, इसे करंट अफेयर में मैंने शामिल क्यों किया, इसको ध्यान समझना। प्रदेश सरकार राम वन गमन पथ के 9 स्थानों का, प्रथम चरण में 9 स्थानों का चयन करके इसका विकास कर रही है, ये अभी तक आप जान रहे थे। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार अब प्रथम चरण में ये 9 स्थान की संख्या बढ़ करके हो गई है 10। ठीक है, एक अन्य स्थान शामिल किया गया है आपका चंपारण्य। ठीक है, चंपारण्य जो कि आपके रायपुर में ही आता है। ठीक है, चंपारण्य एक और स्थान शामिल करके अब प्रथम चरण में 10 स्थानों का, प्रथम चरण में 10 स्थानों का इस राम वनगमन पथ के अंतर्गत विकास किया जाएगा। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 जो कि हाल ही में जारी हुआ, उस प्रशासनिक प्रतिवेदन में इस आपके राम वनगमन पथ के अंतर्गत एक नया स्थान शामिल किया गया है, चंपारण्य। तो इस प्रकार से अब 10 स्थानों का विकास किया जाएगा इस राम वनगमन पथ के अंतर्गत। अगर हम 10 स्थानों की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, एक है सीतामढ़ी हरचौका जो कि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है, दूसरा है रामगढ़ जो कि सरगुजा जिले में है, तीसरा है शिवरी नारायण जो कि जांजगीर चांपा में है, चौथा है चंदखुरी जो कि रायपुर जिले में है, पांचवा है तुरतुरिया जो कि बलौदाबाजार जिले में है, छठवां चंपारण्य जो कि रायपुर जिले में है, सातवां राजिम जो कि गरियाबंद जिले में है, आठवां सिहावा जो कि धमतरी जिले में है, नौवां जगदलपुर जो कि आपका बस्तर जिले में है, और दसवां है आपका रामाराम जो कि सुकमा जिले में है। तो इन 10 स्थानों का विकास इस राम वनगमन पथ के अंतर्गत किया जाएगा। ये जो इमेज है ये उसी प्रशासनिक प्रतिवेदन से ही उठाया गया है। ठीक, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, आप सभी को पता है कि पिछले साल प्रदेश सरकार ने पहला छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था। ठीक है, अब 2023 के लिए इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, ठीक है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की जाएगी हरेली तिहार से। ठीक है, हरेली पर्व से इस 2023 में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल की शुरुआत की जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया है। तो 2023 में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन हरेली पर्व से शुरू होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये है आपका छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकेडमी जो कि रायपुर जिले में प्रस्तावित है। ठीक है, रायपुर जिले में प्रस्तावित है छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकेडमी, बस नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। प्रश्न पूछा जाएगा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार के द्वारा कुल कितना व्यय किया जाता है, तो वो है आपका 50,000। ठीक है, इस योजना के तहत पहले प्रदेश सरकार के द्वारा 25,000 रुपये की सहायता किया जाता था, लेकिन अब यह राशि बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर व्यय का वितरण भी लिखा हुआ है, जैसे कि 7,500 रुपये की राशि प्रति कन्या, 7,500 रुपये की सीमा तक पंडाल के लिए, भवन किराए के लिए, प्रति जोड़ा 20 अतिथियों के भोजन के लिए, बैठक व्यवस्था, विवाह में फोटो आदि के लिए व्यय होगा। उसके अलावा 7,500 रुपये चांदी का मंगलसूत्र, वर वधु के कपड़े, श्रृंगार सामग्री के लिए व्यय होगा। 5,000 रुपये जो है वधु के बैंक ड्राफ्ट खाते के माध्यम से भुगतान होगा, और जो 30,000 रुपये की जो राशि है वो अन्य उपहार सामग्री के लिए प्रदेश सरकार व्यय करेगी। तो ये है कुल 50,000 रुपये की राशि का व्यय मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एक जगह है जिसका नाम है धुड़मा रास। क्या है? धुड़मा रास। इस धुड़मा रास नामक स्थान पर
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कयाकिंग की शुरुआत की गई है। कयाकिंग कुछ नहीं, एक प्रकार का नौका विहार ही है, ठीक है, नौका विहार। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक पतले आकार का एक नाव होता है जिसमें एक व्यक्ति या दो व्यक्ति की बैठने की व्यवस्था होती है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कांगेर घाटी नेशनल पार्क के धुड़मा रास नामक स्थान पर यह कयाकिंग की शुरुआत की गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इतने में होता है आपके छत्तीसगढ़ के मई महीने करंट अफेयर ख़त्म। अगर आप देखेंगे तो इस मई महीने करंट अफेयर बताने के लिए ज़्यादा कोई फैक्ट नहीं था, बहुत लिमिटेड फैक्ट था। इसमें से तो बहुत सारा आपके जून महीने से उठाया गया है, जैसे कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, ठीक है, जून महीने करंट अफेयर का टॉपिक था। तो मई महीने में ज़्यादा फैक्ट नहीं था, मई महीने में जस्ट आपका आरक्षण हटा, स्टे यानी कि आरक्षण के ऊपर जो स्टे था वो स्टे हटा, बहुत सी वैकेंसियाँ आई, न्यूज़ में केवल बस आरक्षण 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 ही बस छाया हुआ था। मई महीने में करंट अफेयर बताने के लिए कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं थे, बहुत लिमिटेड थे, जिसे हमने चर्चा कर लिया। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।